पैदल आएंगे तो घुटने में जान चाहिए। सही बात है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जाना मेरे गांव वाली बात में, जहाँ पे मैं काफी टाइम का मैं गांव गया नहीं, तो गांव में जाना और ठाक ठाक अलीबाग एक बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो अलीबाग बोले के तो बहुत से लोग ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम होते हैं, कैसे जाते हैं, कौन सा फेरी पकड़ना पड़ता है, कौन से बोट से जाना पड़ता है। तो उस वे के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो हमारे साथ वीडियो में बनी रही चलते हैं। और फिर चलते गेट तरफ। मालदार बहुत टिकट निकाल दी है, एक्चुअली इतनी वाली टिकट है। एक्चुअली मैं मिनिमम प्राइस 180 से लेके हैं 250 तक का टिकट है। अरे मालदार जेफरे से आप 400 से उस हिसाब से अरे 180 से स्टार्ट होता है, और सबसे सस्ता वाला अगर चाहिए तो वह गर्जन का है जो कुछ 150 से स्टार्ट है उसका बजट। मैंने आपको यहाँ से अलीबाग जाने के लिए 4 बोट प्रोवाइड करेंगे, अपोलो, अजंता, मालदार एंड PNP। और मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं मालदार और PNP, पूरा सही थी पर काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी कूल लग। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, आपको व्यू करता हूँ। खाली मैं आने के लिए थोड़ा लेट हो गया। चलो पहला लॉस हमारा यहाँ से 6:15 का होता है, और आज सुबह उठने में लेट हो गया इसलिए मैं आ नहीं पाया। ठीक है, आपको लगता है मेरी लॉस लग गई तो मुझे इसलिए जल्द घटना पड़ेगा। ये M2M जेफरी है, यह बहुत बड़ा बोट है। इसमें इसके खासियत ये है कि यहाँ पे हम लोग अपनी पर्सनल गाड़ी, अपनी खुद की गाड़ी हम लोग लेके आ सकते हैं, बाइक, फोर व्हीलर। ये भावका डक्का से डायरेक्ट मालवा में आता है और मालवा से डायरेक्ट भावका डक्का में। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। हेलो गाइस, अभी हम मालवा पहुंच गए, तो अभी बस पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग बस का और लॉज का जिक्र एक ही साथ में, और हम यहाँ से चाहिए तो हम लोग अपना प्राइवेट गाड़ी कर सकते हैं। तो दौड़ना पड़ेगा बस के।
बोले याद था तो अब यहाँ मानवा पूरा चेंज हो गया, उससे बहुत टाइप के बात आया उसकी। YouTube का चैनल ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग मनाते रहता हम सब यहाँ पे आ गया। फटाफट बढ़ने पड़ गया, भर गए तो हम लोग को प्राइवेट गाड़ी करना, भर भर गए तो प्राइवेट गाड़ी करना। तो बादशाह सर जैसा ये बोलते शांति तो एक इसमें हो जाता, बाद के लिए अलग पैसे रहने की जरूरत। बढ़ गया तो प्राइवेट मिलेगा, नहीं तो दूसरे बस का वेट करना। हाँ तो वो लोग एक्स्ट्रा बस भेजते हैं। बाकी खाना भी नहीं कर नहीं बस में गर्दी फुल से चढ़ने को मिल नहीं रहा था, तो हम लोग ने किया प्राइवेट ऑटो। तो मेरे साथ एक कपल फिट है, तो उनके साथ मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन करके हम लोग वहाँ से सिलदा पहुँच गए अलीबाग। फिर हमें बड़ी भूख लगी, तो हम गए रमा खान होटल में। वहाँ से हम लोग ने बहुत टेस्टी पाव भाजी ली, पाव भाजी इतना टेस्टी था कि बहुत उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। फिर हम पाव भाजी खाने के बाद जाते फिर हम निकल पड़े अलीबाग बीच की तरफ। हेलो गाइस, हम अलीबाग पहुँच चुके हैं करते करते। अभी हम जा रहे थे अलीबाग फोर्ट की तरफ, बहुत मस्ती की हम लोग ने, एंजॉय किया खा के। फिर हम लोग का पेट इतना भरा हुआ था, तो सोचा हम लोग वॉक करते हुए जाए, तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे। और जगह पानी इतना गर्म और सॉफ्ट था, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। हम लोग अलीबाग फोर्ट पहुँच चुके हैं, बहुत पब्लिक आई हुई है। एक्चुअली अलीबाग बीच से बहुत आगे है, यहाँ से हम लोग एक्चुअली नाव पकड़ के भी आ सकते हैं, तांगा करके भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। पैदल आएंगे तो घूमने में जान चाहिए। सही बात है। तो यहाँ आखिर देखने के बाद पता चला यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ संडे था। फिर हम लोग बहुत थक चुके थे, तो हम लोग अंदर गए नहीं। तो मैंने बाहर से सोच लिया था कि मेरा मोबाइल का बैटरी भी बहुत लो था। फिर हमने सोचा रहने दो, हम लोग फिर कभी चलेंगे। तो ठीक है गाइस, तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और हमारे वीडियो अपने फैमिली के साथ भी देखो। और आपको जो सारे डिटेल्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।